जब भी आपको आपके फेसबुक अकाउंट में या फिर पेज में कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करते हो पहले तो आप भाई उससे अनइंस्टॉल करते हो आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करते हो जो आप खुद कर सकते हो पॉसिबली आप उन चीज़ों को करते हो पर जब सब कुछ करने के बाद भी भाई आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती तो फिर आप डायरेक्ट फेसबुक से बात करते हो कैसे करते हो आप भाई यहाँ पर नीचे जाते हो हेल्प एंड सपोर्ट में जाते हो फिर क्लिक करते हो रिपोर्ट आप प्रॉब्लम पर पर रिपोर्ट प्रॉब्लम तो सब करते हैं पर सब लोग की जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि वो जो करते हैं ना उनका तरीका गलत रहता है वो सही तरीके से रिपोर्ट प्रॉब्लम नहीं करते तो मैं आपको आज के वीडियो वही बताने वाला हूँ कि कैसे रिपोर्ट प्रॉब्लम आपको करना रहता है कैसे स्क्रीन को ऐड करना है कैसे करना सबको मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ बस आपको क्या करना है वीडियो एंड तक बने रहना तो सबसे पहली बात तो ये कि आप ना सिर्फ अपने फेसबुक अकाउंट से ही रिपोर्ट रिपोर्टर प्रॉब्लम कर सकते हो पेज से नहीं कर सकते वहाँ पे और चीज़ें रहती हैं पर जो रिपोर्ट रिपोर्टर प्रॉब्लम का ऑप्शन रहता है वो आपके मेन अकाउंट में ही आएगा तो पहले आपको अपने मेन अकाउंट पे आ जाना है जब अपने अकाउंट में आओगे ना तो फिर मेन्यू पर आना है मेन्यू पर आने के नीचे आओगे फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट का सिंपली यहाँ पर और आपको क्लिक करना है रिपोर्ट रिपोर्टर प्रॉब्लम जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं भाई पहले तो शेक फोन टू रिपोर्ट रिपोर्टर प्रॉब्लम तो आपको इसे इनेबल करके रख लेना है फॉर एग्जाम्पल भाई आपको कुछ भी करते हुए फेसबुक में आप कोई भी काम कर रहे हो और आपको वो काम कर रहे समय ही कोई दिक्कत आ रही है तो सिंपली आपको उस समय अपने फोन को शेक करना है क्यों उसका भी एक रीज़न है उसका ये रीज़न है क्योंकि जब आपको फेसबुक पे कोई प्रॉब्लम आती है और अपने फ़ोन को शेक करते हो ना तो आपको जो फ़ोन है ना पूरे उससे स्क्रीन शॉट ले लेता है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से फेसबुक को समझ में आ जाता है कि आपको रियली में क्या प्रॉब्लम आ रही है उससे फेसबुक के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आपकी प्रॉब्लम को पता करना और ईजिल वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है अब भाई बात यह रहेगी चलो आपने शेक कर लिया अब आगे क्या करना देखो शेक वाला नहीं करना है उससे रिपोर्ट का प्रॉब्लम भी आपको क्लिक करना है फिर वो क्लिक करना है इंक्लूड इन रिपोर्ट का अब ये इंक्लूड इन रिपोर्ट क्या है देखो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है देखो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं तो आपको इनमें से भाई चूज करना है क्या चूज करना है कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो यहाँ पे क्या कोई पॉइंट से रिलेटेड है फॉर एग्जाम्पल भाई यहाँ पे फीड आ रहा है फाइंड आ रहा है वाई फाई आ रहा है पे बहुत सारे आपको ऑप्शन पे शो हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिक्कत आ रही है भाई वीडियो में मेरे को दिक्कत आ रही है फेसबुक के दो ऑप्शन आ रहे हैं वीडियो के तो मैं क्या करता हूँ मैं ना एक वीडियो वाले पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैंने सेलेक्ट कर दिया अब जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कुछ चीज़ें ये मैंने पेस्ट कर दी अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है मैं आपको दिखा देता हूँ हाई फेसबुक टीम आई एम गेटिंग डबल साउंड ऑन वीडियोज डेट आई एम वॉचिंग ऑन फेसबुक आई हैव अपडेटेड माई फेसबुक टू द लेटेस्ट वर्जन आई हैव डन ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन स्टिल आई एम फेसिंग दिस इशू प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस इशू सबसे पहले आपको लिखना हो हाई फेसबुक टीम फिर आपको अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है कैसे डिस्क्राइब करना है जितने कम शब्दों में हो सके उतने कम शब्दों में आपको डिस्क्राइब करना है और सिर्फ की पॉइंट्स लिखने हैं क्या की पॉइंट्स मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है अब आपको फालतू फंड का नहीं लिखना फॉर एग्जाम्पल आपको कोई दिक्कत आ रही है मेरे को दिक्कत आ रही है डबल साउंड आ रहा है तो मैंने सिंपल लिखा कि मैं मेरे को जो वीडियो है ना जब भी मैं वॉच कर रहा हूँ फेसबुक में कोई भी वीडियोज को तो मेरे को उन वीडियो में डबल साउंड आ रहा है मतलब एक बार ने दो बार सेम साउंड प्ले हो रहा है तो ये दिक्कत आ रही है तो मैंने बता दिया कि मैंने फेसबुक को अपडेट वगैरह भी कर लिया जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया फिर मेरे को आ रही है तो प्लीज फेसबुक सोल्व कर दो बस मैंने लिखना है लिखना चीजें कि भाई मैंने सबको ट्राई कर लिया फिर भी नहीं हो रहा आखिर देना कि प्लीज फेसबुक मेरे इस इशू को सॉल्व कर दो बस और अगला क्या रहा है टेक स्क्रीन शॉट अब आपको टेक स्क्रीनशॉट में क्या आ रहा है इसमें ऐसा रहता है कि आप ना स्क्रीन शॉट को एड नहीं कर सकते आपको ना स्क्रीन शॉट को लेना ही पड़ेगा कैसे फेसबुक

और एक वीक लगता है भाई अगर आपने कोई भी रिपोर्ट रिपोर्टर प्रॉब्लम करी है तो फेसबुक जो रहता है कम से कम एक दो वीक तो लेता है आपकी प्रॉब्लम को देखने के लिए अब वो कितनी जल्दी देखेगा और डिपेंड करता है रिपोर्ट रिपोर्टर प्रॉब्लम कैसे करिए देखो भाई अगर आपने ऐसे तरीके से करी है जैसे फेसबुक को जल्दी समझ में आएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है तो सीरीस ही बात है कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी इसलिए भाई मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं आपको उन पॉइंट को दिमाग में रखते हुए रिपोर्ट रिपोर्टर प्रॉब्लम करना है और साथ ही साथ मान लो आपको कुछ भी काम करते हुए में कोई प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पर कुछ भी अजीब से लिखा रहा था मैंने फ़ोन को चेक कर दिया अब देखो भाई मैं कम से कम एक दो मिनट से शेक कर रहा था फ़ोन को तब जाके अब यह रिपोर्टर प्रॉब्लम हुई है भाई पता नहीं शेक फोन वाला क्या फीचर था है अगर जैसे कि लो है को यहाँ पे रहा था मैंने शेक फोन करा से भी रिपोर्टर प्रॉब्लम पर क्लिक करा अभी इंक्लूडिंग रिपोर्ट पर क्लिक करा तो देखो भाई जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरे को दिक्कत आ रही थी ना सेम उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने फ़ोन को शेक करा और वही चीज़ का स्क्रीनशॉट खींच के यहाँ पे आ गया अब सिंपली आपको अपनी प्रॉब्लम को लिखना है और सेंड पे क्लिक कर देना है तो बस यही फ़ायदा आपको शेक वाले को सेव करके जो शेक वाला है ना शेक फोन तो रिपोर्ट और प्रॉब्लम को आपको उसे सिलेक्ट करके रख लेना है क्योंकि फ्यूचर में आपको कभी भी अगर दिक्कत आती है ना कोई भी तो आपको सेम उस समय ही फ़ोन को शेक करो और उसी चीज़ को आपको रिपोर्ट कर देना है वो ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा जो फेसबुक है ना उससे आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर देगी बाकी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फेसबुक पर रिपोर्टर प्रॉब्लम वगैरह आपको करना है तो कैसे करना है उसका सही तरीका क्या है फिर भी आपको भाई कोई डाउट वगैरह आ रहा है क्या कोई भी एरर वगैरह आ रहा है फेसबुक पे कोई दिक्कत आ रही है या इंस्टाग्राम पे आ रही है फिर यूट्यूब पे आ रही है तो आप सिंपली भाई मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो ना फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डी एम कर सकते हो आप सभी को मेरे प्रोफाइल स्क्रीन पर शो हो रहेगी सो सी नेक्स्ट वीडियो